तो आज हम दोबारा से खेलने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट। ये है माइनक्राफ्ट सर्वाइवल सीरीज का एपिसोड नंबर 15। तो पिछले वाले एपिसोड में हमने किया था भाई एंटी ड्रैगन को डिफीट, और इस वाले एपिसोड में हम अपने करने वाले हैं कासल के लिए एरिया क्लीन। तो चलो फिर बिना की देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अभी तो आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दो और चैनल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी कर दो। एंड अभी तक आपने मेरी हार्डकोर सीरीज की वीडियो नहीं देखी ना, तो हार्डकोर सीरीज की वीडियो लिंक आपको यहाँ आई वीडियो में मिल जाएगी, चेकआउट कर लो। अभी तक आपने मेरी सर्वाइवल सीरीज के पिछले एपिसोड नहीं देखे ना, तो उसकी लिंक आपको यहाँ आई वीडियो में मिल जाएगी, उसे भी चेकआउट कर लो भाई। पहले मैंने जो कासल है ना, उसके लिए मैंने बहुत सारी जगह प्लेन कर ली थी। मैंने 60x80 की जगह प्लेन कर ली है, तो अब मेरे को उससे 80x80 की करना है। तो चलो फिर सीधा चलते हैं अपने, मतलब यहाँ पे हमें क्लीन करना है एरिया। तो यहाँ से हमारा है एंड मैं ये यहाँ पे ये मैंने सब कुछ बनाया ना, ये मैं यहीं पे छोड़ के चला जाऊँगा एंड वहाँ पे मैं दोबारा से एक न्यू जर्नी स्टार्ट करूँगा। जर्नी कह सकते हो या कुछ भी कह सकते हो, वहीं पे मैं सब कुछ बनाऊँगा। तो चलो फिर अब हम चलते हैं, हमारे यहाँ पे कासल बनाने वाले हैं हम। एंड आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे आ गया हूँ। एंड आपको ये एरिया बहुत कम लग रहा होगा, लेकिन ये भाई 60x80 का एरिया ही है। थोड़ा सा उधर पे रह गया है काम करना, तब वो होगा 60x80 का। अभी वो 60x70 का है, तो उसमें मैंने कंप्लीट कर दिया था, लेकिन आपको जैसे कि पता है मेरा एक बार वर्ल्ड डिलीट हो गया था ना, उसमें वो पूरा एरिया चला गया। तो मैंने कहा चलो एक आपको भी दिखाई दिया जाए कि हम क्या कर रहे हैं, नहीं तो आप कहोगे कि बहुत लेट एपिसोड आ रहे हैं, इसलिए मैंने ये कर दिया। तो चलो फिर ऐसे करना स्टार्ट करते हैं। तो मेरे को यहाँ से डर्ट है ना, वो सारी हटानी है। तो यहाँ पे जो मेरी एंट्री थी ना कासल के, वहाँ पे बहुत सारी डर्ट लगी थी आगे, जो कि मेरे को बहुत अच्छी मतलब दिखने में अच्छी नहीं लग रही थी एंड मैं उससे आ भी नहीं पा रहा था। तो मैंने उस एरिया को पहले क्लियर करने का सोचा एंड आप देख सकते हैं जो मेरे कासल की एंट्री थी ना, वहाँ की मैंने सारी डर्ट हटा दिए जो ऊपर निकल रही थी एंड अब उसे एरिया को क्लीन कर दिया, ताकि हमारा कासल बिल्कुल ओपी दिखे दूर से। एंड भाई ये हो चुका है इतना कम्प्लीट एंड अब हमें करना उस साइड का एरिया, अभी आधा ही हमने ये हटाया है, तो ये बाकी का है ना उससे भी हम चलो हटा लेते हैं। अब भाई देख सकते हैं जो सामने का जो एरिया था ना मेरे कासल की जगह, यहाँ पे हमारा गेट बनेगा, वहाँ का मैंने एरिया पूरा प्लेन कर दिया है। तो मेरे को पीछे की साइड जो मेरा थोड़ा रह गया है ना काम, उससे मैं पूरा करना है। तो चलो फिर सीधा चलते हैं जो हमारे कासल की जो एंड वाली वॉल है ना, वहाँ पे देख सकते हैं वो मैंने पिलर लगा दिया है ना, वहाँ पे हमारा कासल मतलब 60x60 की जगह, वहाँ 60x80 की जगह यहाँ पे ख़त्म हो रही है एंड यहाँ तक हमारा इतना बड़ा कासल बनेगा। एंड आप देख सकते हो यहाँ पे जो इस साइड एरिया है ना, वो बहुत सारा मतलब प्लेन नहीं है और बीच में ब्लॉक भी खाली है, मतलब ब्लॉक की जगह नहीं है, भरे नहीं है ब्लॉक, तो उन्हें भी भाई मैं भर देता हूँ। तो चलो फिर करते हैं ऐसे भी। एंड आप देख सकते हैं मैंने इतना सारा कर दिया था, मेरे को बस इसे फिल करना है एंड जो ब्लॉक्स थे ना वो हटा दिए, तो मैं चलो फिल करता हूँ। तो भाई देखो मैंने इतना फिल कर दिया एंड ये इतना एरिया भी रह गया है, तो इस सबको फिल करना है, फिर हमारा 80x60 का प्लेट एरिया बन जाएगा, फिर बस हमें 80 का बनाना है। फिर हमें ये दूसरी साइड हमारा मतलब दूसरी अरे चौड़ाई है ना हमारे कासल की, वो 60 है, तो उसे भी हमें फिर 80 करना है, तो उसे भी हम अभी कर लेंगे, उससे पहले इसे कंप्लीट कर देते हैं। एंड आप देख सकते हैं ये हमारा एरिया पूरा कंप्लीट हो चुका है एंड अब हमारा ये 60x80 का फुल भाई हमारा एरिया बन चुका है। तो अब मेरे को क्या करना है, 10 ब्लॉक इस साइड से एंड 10 ब्लॉक उस साइड से भाई क्लीन कर देने हैं, जिससे हमारा कासल और भी मतलब बड़ा लगे। तो यहाँ से मेरे को 10 ब्लॉक जाना है वहाँ तक, फिर उसे फिल भी करना है, तो चलो फिर उसे भी कर लेते हैं। एंड अब मैं यहाँ से मेरे को ब्लॉक हटाना स्टार्ट करना है एंड मैं बहुत सारे सीन में कट भी कर रहा हूँ, ताकि आप बोर ना हो। एंड आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे आ गया हूँ एंड बस इतना हमारा एरिया बन चुका है, इतना करने चुका है, बस अभी मैंने इतना किया अभी इसे पूरे को एरिया को प्लेन भी करना है एंड तब हमारा ही कम्प्लीट होगी वन साइड। तो कर ले चलो इसे भी कम्प्लीट कर लेते हैं पहले। तो यहाँ पे ये एरिया भरने के लिए रह गया था थोड़ा सा, तो मैंने उसे भर दिया एंड ये वाला एरिया और रह गया भरने के लिए एंड फिर हमारी एक साइड है ना वो पूरी कंप्लीट हो जाएगी, तो इसे भी भर देते हैं। एंड आप देख सकते हैं मैंने इसे भर दिया एंड वहाँ पे बस ब्लॉक हटाने का काम रह गया है, जो एरिया भरने का काम तो कंप्लीट हो चुका है, इसे भी मेरे को हटाना, तब मेरी एक साइड कंप्लीट होगी, अभी नहीं हुई। तो फिर चलो फिर इसे भी हटा लेते हैं एंड फिर हमें उस साइड का भी काम शुरू करना है। एंड आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे आ गया हूँ एंड अब बस यहाँ पे मैं इस साइड का आपको मेरे को ब्लॉक बनना है एंड मैंने यहाँ पे बहुत सारे सीन कट कर दिया, क्योंकि मेरे को लग रहा था कि वीडियो बहुत लंबी हो रही है एंड आप बोर ना हो, इसलिए मैंने बहुत सारी सीन कट कर दी है, ठीक है। तो हो सकता है एपिसोड बहुत छोटा रहे, तो उसके लिए सॉरी। तो चलो फिर इसे कंप्लीट कर लेते हैं एंड अब आप देख सकते हैं थोड़ा सा एरिया रह गया है
एंड मैंने पूरा भर दिया है, बस ये लास्ट वाली साइड एंड मैंने बीच का सीन था मैंने कट कर दिया होगा, तो थोड़ा बहुत एरिया और रह गया होगा, वैसे तो मैंने इतना ही है। तो चलो फिर इसे भी जल्दी से फिल कर लेते हैं। एंड आप देख सकते हैं मैंने इस एरिया को पूरे को फिल कर लिया है। अब ये हमारा ये एरिया है ना वो 80x80 का बन चुका है। तो अब हम बस अगले एपिसोड में अपने पूरे एरिया की वॉल करने वाले हैं, एंड वॉल भी बहुत ओपी स्टाइल की मैं करने वाला हूँ, तो आप देखना आपको बहुत मजा आएगा। वाली वीडियो को इतना ही रखता, अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मेरी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।